हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बंडूरा की थ्योरी के बारे में किया था, जो कि आपके सीट आगे आने वाले एग्जाम लाइक सीटेट एंड यूपीटेट के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज बंडूरा की थ्योरी को ही मैं आगे बढ़ाते हुए आज बंडूरा की थ्योरी के बारे में मैं और आपको बताने आ रही हूँ। दोस्तों, बंडूरा के अकॉर्डिंगली हम किस प्रकार से अपने सेल्फ बिहेवियर एनालिसिस, यानी किस प्रकार से हम अपने बिहेवियर को एनालिसिस कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम अपने व्यवहार को विश्लेषण कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके प्रकार से हम खुद को जज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है सेल्फ बिहेवियर एनालिसिस में इन्होंने पहला एक बोला है सेल्फ रेगुलेशन। पहला है हमारा सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि स्वनियमन। दोस्तों, इसके अंदर हमारा आता है स्वनियमन, या इसको आप स्वनियंत्रण भी बोल सकते हैं। स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन से मतलब है कि इसके अंदर हम इंसान जो है खुद को नियंत्रित करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें किस चीज़ को, किस प्रकार के बिहेवियर को करें, कि कौन से बिहेवियर पर हम नियंत्रण करें। तो इन सभी बातों के बारे में जब हम जज करते हैं तो वो हमारा सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, कई बार हमारा जो हम इंसान भी, अगर आप खुद को भी चेक करें तो हम इंसान जो है अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी आत्मनिर्देशन। हम निर्देश देते हैं खुद को कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, हमारी सफलता के लिए कौन सी चीज़ सहयोगी है, कौन सी चीज़ सहयोगी नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हम स्वयं को निर्देश देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ रेगुलेशन हो या सेल्फ इंस्ट्रक्शन, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी विश्लेषण करते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, खुद को चेक करते हैं। इसी में हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सेल्फ एफिकेसी। दोस्तों, सेल्फ एफिकेसी का मतलब आत्म क्षमता से है। दोस्तों, सेल्फ एफिकेसी मतलब आत्म क्षमता, यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर की कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, हम कितनी किसी भी काम को कितना कर सकते, कितने करने की या किस तरीके से करने की योग्यता रखते हैं, ये सभी हमारा कहलाता है सेल्फ एफिकेसी। फ्रेंड्स, सेल्फ एफिकेसी जो है ये हमारा दो टाइप्स का होता है, ये हमारा टू टाइप्स का होता है। एक हमारी जो सेल्फ एफिकेसी है वो हाई एफिकेसी होती है, हाई एफिकेसी होती है, और एक हमारी जो सेल्फ एफिकेसी है वो लो एफिकेसी होती है। जी, लो एफिकेसी एंड हाई एफिकेसी। फ्रेंड्स, ये लो एफिकेसी या हाई एफिकेसी क्या होती है, पहले हम करते हैं हाई एफिकेसी के बारे में। हाई एफिकेसी यानी कि उच्च क्षमता, उच्च क्षमता होती है। इस हाई एफिकेसी को आप पॉजिटिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं, आप इस हाई एफिकेसी को पॉजिटिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। जैसे हम कई बार किसी काम को करते करते बार बार थक जाते हैं या हार जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस काम से पीछा नहीं छुड़ाते, हम उस काम को दोबारा से फुल एनर्जी से एक पूर्ण विश्वास के साथ हम करने के लिए अपने अंदर हिम्मत रखते हैं। इस प्रकार को क्या कहा जाता है, हाई एफिकेसी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों, जो हमारे देश की बेटी के नाम से जानी जाती है, अरुणिमा, जो आपकी अरुणिमा आप लोगों ने सुना होगा। अरुणिमा जो लड़की है, उनका एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनके दोनों के दोनों पैर में जो है फ्रैक्चर हुआ था, इसके बावजूद भी अरुणिमा जो है वो माउंटेन पर चढ़ी। दोस्तों, आप हम दो पैर खोते हुए भी हम ये नहीं सोच सकते कि हम माउंटेन की चढ़ाई कैसे चढ़ें, लेकिन उस लड़की ने इतनी हिम्मत रखी कि वो इतना दर्द पेन सहने के बाद भी वो अपने जो है मतलब आर्टिफिशियल जो भी उन्होंने अपने पैरों का यूज़ किया होगा, प्लास्टिक पैरों का यूज़ किया होगा, उन सभी को यूज़ करते हुए उसने माउंटेन तक की चढ़ाई की। और यही नहीं रुकी, उसने और अपने मन में ये भी ठाना कि और भी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ होंगी या माउंट होगा, वो उस सभी के ऊपर चढ़ाई चढ़ेगी। तो अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है, अगर इसी चीज़ को करने की है, तो वो क्या है, उसकी हाई एफिकेसी है। बार बार गिरने के बाद भी, जैसे एक और एग्जाम्पल, चींटी बार बार किसी चीज़ को लेकर
करके ऊपर दीवार पर चढ़ती है या ऊंचाई पर चढ़ती है और बार बार गिर जाती है, लेकिन फिर जो है वो दोबारा उसी जुनून के साथ चढ़ती है और लास्टली अपने मंजिल को पा लेती है। लो एफिकेसी क्या होता है दोस्तों? लो एफिकेसी वो होता है कि कई बार जो है हम किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले ही उसमें हम हार मान जाते हैं। लाइक हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर हाई एफिकेसी थी अरुणिमा, जो कि हमने एग्जांपल लिया है, अरुणिमा के अंदर हाई एफिकेसी थी। उस हाई एफिकेसी के कारण वो माउंटेन जैसी बड़ी चोटी पर, माउंटेन जैसे बड़े पहाड़ पर चढ़ गई। और हम जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर हमारा कोई एक दो सब्जेक्ट मान लीजिए वीक है, तो हम वहाँ पर अपने अंदर जो है कमियां महसूस कर लेते हैं और हम ये जान लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ वीक है, किसी बच्चे की हिंदी या इंग्लिश वीक है, और मान लीजिए एसएससी हो या अपना लाइक सीटेट ही आपका है, सीटेट के अंदर मैथ आते हैं, डीएसएसबी वगैरह के अंदर जो मैथ्स आते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टफ नहीं होते, लेकिन हम बिना तैयारी के ये बोल दें कि नहीं यार इसमें तो मैथ्स आती है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप इस प्रकार बोलते हैं तो आपके अंदर लो एफिकेसी है, और किस लो एफिकेसी जिस भी बच्चे के अंदर होती है वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अंदर इस एफिकेसी को ना लेकर के आएँ, हाई एफिकेसी को लेकर के आएँ। आप बहुत ही उम्मीद के साथ, चाहे आप लोगों ने अभी तक कितनी बार ही सीटेट का एग्ज़ाम जो है दे चुके होंगे, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी रहा हो, नेगेटिव रहा हो या कुछ भी, आप दोबारा से एक पुनः कॉन्फिडेंस के साथ फिर से आप तैयारी करिए और 8 दिसंबर को जो हमारा पेपर है आप एग्ज़ाम में बैठिए और अपने EQ को यानी इमोशनल क्वेश्चन को कंट्रोल में रखिए और आप अपने एग्ज़ाम में बैठिए और आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर पास होगा। इसीलिए एक आपका जो एक पॉइंट भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो आपका यहीं पर है। यहाँ पर हम अपने मन में हार मान लेते हैं, इसीलिए कोई काम को नहीं कर पाते, कोई अचीवमेंट नहीं ले पाते, या हम जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, दैट्स व्हाई कई बार हम ऐसी अचीवमेंट भी प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होगी कि उस अचीवमेंट तक हम पहुंच सकेंगे। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में आते हैं। दूसरा इसी का फोर्थ पॉइंट है आपका लर्न हेल्पलेसनेस। इसका मतलब होता है अधिगम अशक्तता। ये डायरेक्ट यही शब्द हमारे सीटेट के अंदर आया हुआ है। लर्न हेल्पलेसनेस या अधिगम अशक्तता का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल लाइक आपने BTC डाइट वगैरह BEd जो भी करना आपने कर लिया, आपने डाइट BTC BEd तो कर लिया, उसके बाद आप सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर बैठे। सीटेट में हम दो प्रकार के बच्चे बैठते हैं। अगर आप सीटेट के अंदर देखा जाए, सीटेट का अगर हम पूरा मतलब ब्यौरा देखें, तो जैसे कि अभी UP TET वगैरह 8 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है, कई लाखों की मात्रा में लोग फॉर्म फिल करते हैं, और हम जो है ये लो एफिकेसी वाले जो बच्चे हैं वो उस फॉर्म फिल करने के जो इतने सारे बच्चे होते हैं उसको ही ध्यान में रखते, कहते अरे बाप रे इतने सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है तो इसमें हमारा नंबर कहाँ आएगा। तो ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ लर्न हेल्पलेसनेस की, कि इतने सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने बैठते हैं उसमें से क्लियर होता है बहुत ही कम लोगों का। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं और उसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या सिलेक्शन लेने वाले या जो पास होने वाले बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो पास होने वाले बच्चे हैं वो सही मायने में किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, डेडिकेशन देते हैं, और डेडिकेशन देते हैं तभी वो सफलता प्राप्त करते हैं। जो वो वाले लोग जो हल्के माइंड से पढ़ लिया, चलो आओ अच्छा आपको याद आ गया, अच्छा हमारा 4 दिन बाद पेपर है, चलो आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो वो बच्चे किस चीज़ के शिकार होते हैं? तो लर्न हेल्पलेसनेस। फ्रेंड्स हमने बंडूरा की थ्योरी के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था, आप वहाँ पर जाकर बंडूरा के बारे में पढ़ सकते हैं, और ये भी बंडूरा से ही संबंधित है। हम आगे आने वाली वीडियोस में इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को यूं ही देखते रहिए एंड लाइक कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।